स्वाद से भरपूर ठंडा टिक्की चने ये वो हर चीज अंदरून लोहारी गेट वाले आपको नजर आ रहे हैं। हम दाखिल हो रहे हैं ये लोहारी दरवाजे के अंदर, ये लोहारी दरवाजे की एंट्रेंस है, पुराना लोहारी दरवाजा रवायात से भरपूर और रौनकों से भरपूर। अंदरून लाहौर की जो खूबसूरत बात है ना, यहाँ का कल्चर बड़ा ही कमाल है, जिंदा दिल लोग हैं, बड़े प्यार से ज़िंदगी गुजारते हैं। हाँ, जो नौजवान नस्ल वो थोड़ी बेसब्री है, ये बाजार देख रहे हैं अभी हाजी निहारी के पास हम जा रहे हैं। कमाल किस्म का माहौल है सारा, खूबसूरत किस्म की ऑडियंस है, गप्पों में मसरूफ लोग, मज़े मज़े के पकौड़े और कराची की स्पेशल चीज़ें अभी हमें सारी नज़र आ रही हैं, बेसन की चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही हैं, और जो मुर्ग चने मुल्तानी और ये और वो, ये सारी नान कुलचे जो खाने का सारा सामान है वॉल सिटी का, अंडा कोफ्ते चने वो हर चीज़ अवेलेबल है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की अंडा टिक्की चने ये वो हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ दूध दही पंसार बलोच पुराना नया जो कल्चर है वो सारा मौजूद है लोहारी के अंदर। अब ऐसे ज़्यादा कमर्शियल हो गया हुआ है, पता नहीं कितनी अच्छी बात है, क्या लोगों ने ज़िंदा भी रहना है, खाना पीना भी है। लोहारी चौक पे बांटने वाले हम, ये आपको नज़र आ रहा है शेख स्वीट्स की खूबसूरत किस्म के जो फेणियाँ और खजले हैं, कल्चर जारी है जी। आपस जी मटन चने हैं, ये भी बड़ा कमाल किस्म का इदारा है, 1984 से अब तक खिदमत कर रहे हैं ये लोग भी। ये चौक में अब हम आ गए हैं, ठीक है। नहीं, चलते चलते हम पहुंच गए हैं हाजी निहारी, और जो हाजी निहारी है ये अंदरून लोहारी गेट वाले ये आपको नज़र आ रहे हैं। खाने का सिलसिला जारी है, तमाम अपनी अपनी निहारियाँ ले रही है, चलते हैं देखते हैं ये रौनक कब से जारी है। ले जी आ गए हम, कामरान भाई बैठे हुए हैं अपनी रौनक लेके, यहाँ से तो मैं ज़रा कोशिश करूँगा कि कामरान भाई को अच्छा सा कवर कर सकूँ। सलाम कामरान भाई, क्या हाल है? ठीक है सर, ये रौर की रौनकें जो आपसे मौजूद है ये कब से सिलसिला जारी, कौन सी पीढ़ी पे जैसे कहते हैं आके आज आप बैठे हुए हैं? थर्ड जनरेशन है माशाल्लाह। तो ये अगर आप मेरे सुनने वालों को बता सकें ये कब से जारी है सिलसिला? सर ये 1947 से, वैसे तो हमारा 1947 से, वैसे तो हमारे दादा थे इंडिया से बिलोंग करते थे, तो वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में आए हैं, और यहाँ पे आप जहाँ माशाल्लाह से आप थर्ड जनरेशन है जो चला रहे हैं माशाल्लाह। और ये रमज़ान पे कब से कब स्टार्ट होता है? रमज़ान में हम अफ्तारी से पहले बैठते हैं और सहरी तक, ठीक है। हाँ जी, और आप अकेले हैं या आपके साथ और भाई भी साथ आ रहे हैं? माशाल्लाह 4-5 भाई हैं, जिसमें वालद साहब भी हैं, और मेरे हमारे यानी कि मुश्तरका काम है माशाल्लाह, छाया के साथ भी है। सही है, और मैं देख रहा हूँ पीछे वो जो लिखा हुआ है दूसरी जेल रोड वाली ब्रांच है, वो जो दूसरी पार्टी के भाई के छाया के बेटे हैं वो उधर बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं। सही हो गया। तो ये डेली माशाल्लाह अगर मैं वैसे ही बताना हूँ आपको तो कितने मन जो है वो खिदमत हो जाती है माशाल्लाह, काफ़ी अलहमदुलिल्लाह, इसका कोई हिसाब नहीं है कि हम तो इतवार हमारा काफ़ी काम होता है, तो 3-4 मन माशाल्लाह हमारा होता है। और रमज़ान के अंदर ये रौनक ज़्यादा हो जाती है? हाँ जी अलहमदुलिल्लाह माशाल्लाह, तो लोग थोड़ी दूर दूर से आते हैं, और माशाल्लाह आप जैसे भाई आते हैं तो ये बताने की शायद हमें ज़रूरत नहीं है कि आप मशहूर हैं,
वो तो एक हकीकत है। हम तो शोहरत को चार चांद जो आपने तीसरी पीढ़ी में आगे लगाए हैं तो वो एक दुनिया को दिखाना है। ये जो सारी रौनकें आप लेके बैठे हुए हैं, ये बताइएगा कि डेली जो है वो आप एक ही जगह से ये सारा गोश्त और ये चीज़ें एक ही जगह से लेते हैं? ये हमारा ये सड़ रहा होते आते हैं सारा माल बाहर नजदीक शुदा होता है बैंक को कहते उधर का गवर्नमेंट का स्टैम्प शुदा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है बेहतरीन हो गया। तो हमें ये पता लगा है कि गोरे भी जब आते हैं इधर का रुख करते हैं तो यहाँ पे आए बगैर नहीं रह पाते, ऐसा ही है, बेहतरीन हो गया। आपको मैं अगर दिखा सकूँ कामरान भाई के पीछे कितनी ज़्यादा रौनक है और ये है वो सारी से कहते हैं रौनकें जो वो बांट रहे हैं, ये कितने मन आ जाती होगी ये वाले के अंदर पूरी इसमें कोई तो कितना तीन आ जाता है। ये बात हकीकत है कि जी ये जितनी खिदमत हो रही है इतना बड़ा ही निज़ाम होगा तो ये पूरा आएगा। और जो वॉल सिटी वाले हैं इन्होंने कोई फूड अथॉरिटी वाले इन्होंने भी कोई आपको अप्रूव करने का सिलसिला शुरू किया था? वो तो डेफिनेटली वो तो पहले है ना, वो तो हमारा बकायदा कार्ड भी लगे हैं फूड अथॉरिटी से हमारा फिक्स है। सही हो गया, हम आपको वो कार्ड भी दिखाएंगे क्योंकि ये वक्त की जरूरत के साथ साथ अपने आप को लेके चल रहे हैं। तो कामरान भाई यहाँ पे आप अकेले ही बैठते हैं? नहीं, अभी तो मेरा भाई भी बैठा था सामने, मेरे वाले साहब भी दो तीन घंटे पहले वो उठे हैं, वो भी बैठे हुए थे यहाँ पे, यानी कि मैं तो अफ्तारी से पहले का आया हूँ, अब माशाल्लाह सही तक बैठा हूँ, आप भी खिदमत बैठे रहेंगे सर। ये एक हकीकत है सर, ये खिदमत नहीं है, मैं समझता हूँ ये इबादत है। खैर, तो छोटे भाई से भी इजाज़त हो तो हम कप लगा लें चले जी। ये देखे जी कामरान भाई लगे हैं मुसलसल वो खिदमत जो बेहतरीन तरीके से नसल दर नसल जारी है। वालिद साहब भी इनके इसी खिदमत पे मामूर थे। ये पीछे पूरी टीम है जो फ्रेश रोटियां लग रही हैं, आपको नज़र आ रही होगी। ये रौनकें हम आपको दिखाना शुरू मुसलसल खिदमत करने के लिए तो बड़ा एफर्ट करनी पड़ती है। तो कामरान भाई से भी हमने गप लगाई, कामरान भाई के जो छोटे भाई हैं वो हमारे सामने लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं। हम जो इतनी ज़्यादा गाहकों का रश है उसके दरमियान कोशिश करते हैं कि उनसे भी गप लगाई जा सके और उनसे भी जाना जाए कि वो ये तमाम सिलसिला किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, नसल दर नसल जो है ये सिलसिला जारी है। कामरान भाई की तरह देखते हैं ना कि कैमरा मैन दिखाएं। उनका हाथ भी दिखवाना पड़ना हमें, बहुत ज़्यादा रश है गाहकों का बहुत ज़्यादा, और इस रश को डेली मैनेज करना भी एक हिम्मत का काम है। बर्तन जो है ना वो यहाँ पे कल्चर है कि सुबह सवेरे बर्तन जो है वो तहरी से पहले जमा करवा दिए जाए और टोकन मिल जाता है। टोकन का जो इंतज़ार है वो तमाम शहर के लोग कहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार जो है वो करने की बजाय ये इंतज़ार उन्होंने बनाया हुआ, टोकन ले लो बर्तन जमा करा दो तहरी से पहले आके ले लो। जल्दी जल्दी बारी लेने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कितना रश है, इतना रश है जिसको हाजिर नहीं होता। तो ये है कामरान भाई से छोटे भाई, रात कितने छोटे कामरान भाई हमारे रस्ते में दो भाई और बढ़ते हैं, रस्ते में दो भाई और बढ़ते हैं। कामरान भाई का हाथ बड़ी मुश्किल से इनका रुकवाने के बाद भाईजन का हाथ भी रुकवाया हमने। सर कितना कुछ जैसे कहते हैं एनर्जी दरकार है इस विरासत को कामयाब कराने में और आगे लेके चलने में? कोशिश करते हैं रोज़ के अपने आप को जितना हो सके अपने काम को
सही। मैं देख रहा हूँ कि आपका हाथ तो रुक नहीं पा रहा, ये सिलसिला सारी के बाद सारी के बाद से जैसे रानी जैसे खत्म होती है उसके बाद से भी सारी तक चलता है। बेहतरीन है। और उधर तो 3 मन की देग है, इधर कितने मन की है? इधर भी उतनी ही देग है, बेहतरीन होगी इधर। तो आप जैसे कहते हैं दो भाइयों के दरमियान, तो वो जो बराबर काम का वजन है वो ऐसा देख लेते बांटा हुआ? काम काम ही है, आप इसको देखते ना जितना मर्जी कौन ज्यादा करा कौन कम करा, करना तो है। सही है ना। और वो जो फूड अथॉरिटी से अप्रूवल और वो सरकारी ये जो है चार चांद वो आप ध्यान रखते हैं, ये सारे मिलके ही इस काम कर रहे हैं। और जो दूसरे भाई हमारे वो भी उनको ज्यादा इस चीज का पता है, उनकी सही है। तो वालिद साहब को आपने छुट्टी दे दी है या उनकी सुपरविजन आप आते हैं वो ही कर रहे हैं, कहते हैं मैंने बीमार तो उनकी सुपरविजन जारी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि वो अभी भी अपने वालिद की जो विरासत है उसको ओन करते हैं। और दोनों भाई जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इंतहाई खूबसूरत तरीके से अपनी जो खिदमात है ना वो लोगों के लिए वो मुसलसल जारी हैं, और इससे वो खुश भी नज़र आते हैं जो आप देख रहे हैं उनकी तेज़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं लोग। सर 300 की हरी और 4 की रोटी। इतना रश है कि गुजरना मुश्किल है, ये आप देख रहे हैं। फिर कब से खा रहे हैं? मैं तो मेरे इनसे ले जाते हैं, प्यार करते हैं, हमारे साथ मोहब्बत करते हैं। सर प्यार मोहब्बत तो ये सच ही करते हैं, लेकिन वो प्यार मोहब्बत के अंदर जो ये गोश्त शामिल है इसकी बताएं। 3000 रुपए की है तो हमें 1000 रुपए की उन्होंने प्यार मोहब्बत दी। ये अब आपने खतरनाक बात बता दी है, क्योंकि ये मोहब्बत और भी लोगों ने मांग ली तो फिर मसला खराब हो जाएगा। ऐसे ही है। एक सेकेंड, ये मोहब्बत लोहारी वालों के लिए सर, कामरान भाई ये तो ज्यादती है सर, आपकी आपके साथ पूरी दुनिया मोहब्बत करती है। ये बात सही है कि ये दुआएं बिल्कुल शामिल हैं। ये आप देख रहे हैं जी बेहतरीन किस्म के गोश्त की जो इतनी बड़ी बड़ी बोटियां पड़ी हुई हैं, ये है वो कल्चर जी। ये चाचू देख रहे हैं आप रोटियां लगाई जा रहे हैं, और तमाम आवाम जो है ना इंतहाई खुशी से ये कल्चर जो है ना इंजॉय कर रही है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है इन सबको आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं। ये था वो जादू जो भी आपको नजर आया होगा, जो बेहतरीन तरीके से ये सारा तड़का लगा के दिया है भाईजान की मोहब्बत जरा ज्यादा ही होगी ये तड़के वाली। बिल्कुल ऐसे ही जी, एंजॉय करें सर। आगे चलते हैं। नौजवान लोग बैठे हुए हैं, ये देखें जी बहुत सारे नौजवान हैं जो इस नियारी के साथ इंसाफ करते नजर आ रहे हैं। आज
तो सारे नौजवान कहाँ से हैं? लाहौरी के हैं कि अंदरून के हैं? अंदरून के हैं। तो ये आज साहब का जो नाम है ये इंसाफ भी करता है जायके के साथ के नहीं? बहुत मज़ेदार है, सही है। तो सर ज़रूर खाएंगे, आए हैं तो कुछ ना कुछ इंसाफ हम भी करेंगे। जैसे माशाल्लाह आप सारे भाई मिलके लगे हैं, इंजॉय करें सर। ये हैं जी वो रोटियाँ, चेक करें, ताज़ी ताज़ी रोटी लग रही है। चाचू बैठे हुए हैं बेहतरीन अंदाज से, इधर पैकिंग जा रही है, उधर चाचू का जादू जा रही है। ये है जी हाजी नहीं हाजी की तमाम रौनकें। ये वो टोकन है, मिल गए, ये हैं वो तमाम टोकन जो सहेली के वक्त लोगों को मिलते हैं। इन टोकनों को अगर मैं दिखा सकूं आपको, ये हैं जी वो टोकन, ये देखें जी खूबसूरत रंग बिरंगे टोकन जो सहरी के वक्त आपको मिलते हैं, 9 नंबर 10 नंबर, और ये सारे वो टोकन आवाम लेती जाती है और अपनी अपनी बारी पे सुबह जब आते हैं तो वो ये टोकन के साथ अपनी अपनी निहारियां जो है ना जी वो एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। आज ही हरी साहब से फारिग होने के बाद हम जा रहे थे तो ये एक हाफिज साहब का था छोटा हमें नज़र आया। ये भाईजन भी बैठे हुए लॉरी के अंदर, ये चेक करें सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मुझे लग रहा है कि निहारी के बाद लोग यहाँ रुक के जाते होंगे। इस ये चेक करिए जी भाईजान लगे हुए खिदमत करने, तो निहारी के बाद लोग यहाँ रुकते ही जाते हैं मुझे लग रहा है। हाँ जी माशाल्लाह 16 35-40 साल दुकान। वाह, इधर का मशहूर दुआरी का मशहूर लेमन सोडा, दूध सोडा, एप्पल सोडा। वाह, इतनी वैरायटी है। हाँ जी, और ये ज़्यादा इसमें तो मेरे ख्याल में सोडा जो है ये निहारी वाला ही चलता होगा, लेमन थोड़ा ही ज़्यादा चलता है। थोड़े वाले भाईजान भी अपना सोडा पैक करवाते फिर रहे हैं। ये रौनकें हाज साहब बिल्कुल इनके पीछे हैं और ये सोडा भी साथ साथ चल रहा है जी। हमारी चौक में अब हम आ गए हैं, यहाँ कुछ शेख साहब की जो तैयारी हो रही है, पेनियाँ पेनियाँ देखें जरा, कमाल किस्म की सेनियाँ तैयार हो रही हैं चौक के अंदर। शिक्षा की दुकान बड़ी पुरानी है, जब हम लोहारी चौक पे आ गए हैं अंदरून शहर में, ये सारी रौनकें आपको नज़र आ रही होंगी अंदरून शहर की। हर तरफ पुरानी बिल्डिंग, पुराने घर और ये सारा माहौल खूबसूरत तरीके से लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें हम वॉक करते करते लोहारी से बाहर आ गए। यहाँ पे लाइफ बड़ी खूबसूरत है, ये मैं मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ। ये लोहारी से जनाब पूरी रौनकें अंदर की एंजॉय करने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर जा रहे हैं। लोहारी को दरवाजे को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ, ये देखें लोहारी दरवाजे से जब हम बाहर निकलते हैं ना तो इनके स्टार्ट में भी लोहारी के बड़ा ही कितना डिफरेंट माहौल है। यहाँ पे बहुत सारे पकवान मौजूद हैं, वहाँ तक भी आपको लेके चलते हैं। ये लाहौर की जो कल्चर है ना, पेनियाँ शेनियाँ और खजरे वगैरह, ये बड़ा कमाल का। चलते हैं आपको माहौल भी दिखाते हैं। ये है वो कल्चर जो भुलाए नहीं भूलता, ये चेक करें खाने बेहतरीन तरीके से, भाईजान भी लगा के बैठे हुए हैं।
सर कब रौनक शुरू करते हैं डेली, कितने बजे स्टार्ट करते हैं? 4 बजे। और ख़त्म कब होता? सारी टाइम ख़त्म हो जाता है, और ये सारी जो लोगों के पेट में दफन हो जाती है ऐसे ही है। बेहतरीन है। तो आप लगा के क्या बैठे हैं? बोंग पाए और सीरी पाए। ये चेक करें जी भजन की रौनक। भजन ने भी बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम लोगों के पेट भरने का किया हुआ, और लाहौर की आवाम ये खिदमत जो है ना खुद ही कर लेगी अपनी, ऐसे ही है। बेहतरीन है सर, जीते रहिए। तो ये है जी लाहौरी के बाहर भी आपको नज़र आ रहा है, आपको कितना खूबसूरत माहौल है। ये देखें जी चाचू भी लगा के बैठे हुए हैं खूबसूरत तरीके से। ये लाहौर का कल्चर है जी, ये देखें, ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम चाचू, ये खिदमत कब से जा रही है? 40 बजे आ रही साल, माशाल्लाह। वैसे ये बड़ा ही वो काबिले सताइश बात है कि कोई भी खाने की खिदमत कर रहा है तो उसके 40 साल तो हो गए, ये क्या खास बात है? कम अज़ कम 1980 के यहाँ पे लगा रहे हैं। पहले वाला साहब थे, वाला साहब के साथ था, तब मैं 9 के पेपर दिए थे, उसको कहता था आप मेरे बच्चे जवान हैं, मेरा सबसे छोटा बेटा है। वो देखिए जी, ये वैसे मैं जहाँ भी गया हूँ ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो खिदमत है ना, झूठ बोलते हैं हमारा, झूठ वाला चाहता नहीं बोलिए, ये जो जितने भी अड्डे लगे हुए सब हमारे बाद में लगे हैं। एक वो मुल्कों का लगा हुआ हमसे पहले का, सही है, पहले का है। कितने बजे आते हैं? नमाज पढ़ के रमजान में, असर की नमाज पढ़ के, तो रमजान के अलावा सुबह फजर की नमाज पढ़ के। और ये फजर से पहले पहले रमजान में? हाँ जी, 1-2 बजे फारे, 1-2 बजे फारे, 11:15 हुए हैं। सही है, घंटा लगे, आधा घंटा लगे, माशाल्लाह। जीते रहिए, काबिले सताइश बात है कि आप इतनी खिदमत कर रहे हैं आवाम की। तो देखें जी सेकंड जनरेशन, बल्कि थर्ड जनरेशन ही होगी ये, तो ऐसे ही है, थर्ड हो गई। ये देखें जी, ये खूबसूरत तरीके से एंकर लगा के बैठे हुए हैं। अंकल के साथ एक और है जी, माशाल्लाह। ये देखें आप पोंग पाए, और ये रौनकें इतनी कमाल की हैं ना, ये देखें, ये भजन भी खिदमत कर रहे हैं आवाम की मुसलसल इनके। हाँ ये देखें, भजन से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भजन, कब से ये खिदमत का सिलसिला जारी है? 30-32 साल हो गए माशाल्लाह। और डेली कितने बजे स्टार्ट करते हैं? 6 बजे। और रमज़ान में? 5 बजे। और सुबह सुबह कितने बजे तक ख़त्म हो जाते हैं? 4-4:30 बजे तक, दी एंड। कितने मन डेली ये लाहौर की आवाम जो है इंसाफ कर जाती है खुराक के साथ? और आप ये 30 साल से जा रही है, तो ये आप नहीं स्टार्ट किया था या आपसे पहले? ये विरासत जो है ये मुंतकिल बड़ी आसानी से हो रही है जब, लेकिन ये लाहौरी के अंदर ही है। इसके बाहर मैंने नहीं देखा कि लोग अपनी खाने पीने की विरासत को लेके चल रहे हो, इसमें क्या जादू है? दादी जी, जब मेहनत करनी है तो अपने काम में मज़ा आता है। अब मैंने इस काम के लिए गवर्नमेंट जॉब छोड़ी हुई है, अपने काम में अपने मज़े हैं। ज़रा ये चेक कराएंगे आवाम को कि क्या क्या है। ये देखें जी भजन की रौनकें, बेहतरीन तरीके से भजन ने ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। कितने मन डेली खिदमत हो जाती है? माशाल्लाह, एक मन दोस्त है और 12 पाए और 10 किलो सर। ये देखें ना, ये है बेहतरीन खिदमत आवाम की, और पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। पीछे आपको लोहारी नज़र आ रहा है, और ये भाईजान ने देखें कितनी खूबसूरती से ये खिदमत कर रहे हैं। आप भी भाईजान के साथ ही हैं? ये चाचू, वाह चाचू पकड़े गए मुझे लग रहा आज। चाचू ये कब से खेल रहे हैं लोगों के मेदों के साथ आप? ऐसे ही लग रहा है मुझे। ये तो हम घर में पकाते हैं, ये नहीं है, ये मुलाजम हमारे पकाते हैं, हमारी खुद फैमिली, हम खुद हाँ खाते हैं डेली, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो हम नहीं खाते हो। सर ये बात तो सही है, लेकिन आपका पेट बड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा, और आपके खाने वालों के ये पेट अभी जब मैंने देखाने हैं ना, तो फिर पता लगना है कि ये रौनकें तो ज़्यादा हो गई हैं। इंशाल्लाह जितनी देर हमारी ज़िंदगी है ये रौनकें ऐसे ही बाहर रहेंगी,
इंशाल्लाह आवाम के साथ हम खुद आप ही यूज़ करते हैं, आप ही खाते हैं। सर ये बड़ी एक काबिले जिसे कहते हैं गौर बात है कि आवाम के साथ ये जो घर की पकवाई है, ये विरासत जो है ये डेली आती है और ये विरासत लेके ये जिंदा है, ये एक बहुत ही रौनक वाली बात है। और ये दूसरी साइड पे सारे फूलों वाले बैठे हुए हैं। मैंने कहा थोड़ा सा आपको ये भी दिखाते जाए, लोहारी की रौनकों में ये भी फूलों वाली भी दुकानें जो है ना ये बड़ी रौनक जो है ना उसमें इजाफा ही करती हैं सर।